ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं वीर सिंह। अभी का सबसे बड़ा पेपर लीक का मामला हमारे सामने नजर आ रहा है। चुनाव खत्म होते ही नीट का पेपर लीक का मामला काफी तुल पकड़ चुका है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अब सरकार भी इसमें फोर्थ गियर लगा चुकी है। अब इस बीच सबसे बड़ा नाम हमारे सामने आ रहा है तेजस्वी यादव का। आखिरकार क्या तेजस्वी यादव का क्या कनेक्शन है नीट के पेपर लीक मामले में, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर। और चंदन झा सर से हम जानेंगे इसके पीछे की बात। सर, दिन प्रतिदिन बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं नीट पेपर लीक मामले को लेकर, अब इस बीच तेजस्वी यादव का नाम आना क्या लगता है सर? देखिए, पहले सरकार इससे बचती रही, उसने कहा जो इस तरह का कोई पेपर लीक नहीं हुआ जी। लेकिन जिस तरह से बिहार पुलिस की कार्रवाई हुई जी, जिस तरह से 7 लोग पकड़े गए और सेटर भी पकड़ा गया और खास टोटल 7 लोग पकड़े गए, उसने कुछ इकबालिया बयान भी दिया, साइन भी किया जी। एक तरह से कहे जो पूरी तरह से अब वो चीज आ गई है बाहर आके, जो ये पेपर लीक हुआ था। अब आप कहेंगे जो तेजस्वी यादव का इसमें क्या कनेक्शन है? बिल्कुल, आज पथ निर्माण मंत्री और डिप्टी सीएम बी एस सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जी। क्योंकि पथ निर्माण मंत्री को इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा जी, ताकि जो इसका जो सेटर था, मास्टरमाइंड था, कहिए जो सिकंदर जी, सिकंदर को NHAI के गेस्ट हाउस में ठहरवाया गया था जी। इसके लिए तेजस्वी के जो PS हैं प्रीतम, उसने केयरटेकर को फोन किया, प्रदीप नाम है उनका, उनका भी बयान है जी। और आज वो कल भी बयान दे चुके थे बीएस सिन्हा, जो आखिर किसके कहने पर ये आदमी वहाँ ठहरा। तो जब रजिस्टर चेक किया गया तो चेक किया गया जो सिकंदर ब्रैकेट में मंत्री जी, अच्छा मतलब अभी तक उन लोगों के नजर में तेजस्वी यादव मंत्री जी हैं, इसलिए अच्छा। उन्हीं के केयर ऑफ में लिखा गया जी जी। अब आज इसका आज इसकी जाँच किए पूरा, वो एक तरह से बीएस सिन्हा ने विभागीय जांच करवाई जी। और जांच में सब कुछ उन्होंने जांच, जो कब कॉल आया, कितने बजे कॉल आया, किस तारीख को कॉल आया था, किस तारीख को कॉल आया था, सारा सारा रिकॉर्ड निकलवा के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस में इसकी बाकी हम तो कहेंगे जो मतलब पूरा का पूरा प्रूफ निकाल कर सामने रख दिया। हाँ जी। और प्रीतम कुमार के ऑफिशियल नंबर से फोन आ रहा था जी, कोई मतलब छद्म नंबर भी नहीं था जी। वैसी स्थिति में आज के डेट में कांग्रेस के जो है राहुल गांधी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह से आरोप लगा दिया है, क्योंकि नीट का पहले से जांच चल रहा है, नेट कल कैंसिल हुई यूजीसी नेट, तो वैसी स्थिति में विपक्ष ने भी इसको उठा दिया है। अब इसमें जिस तरह से तेजस्वी यादव के करीबी का नाम आ रहा है, तो अब जांच के रडार वो भी आ गए हैं जी। इधर क्या कहें, केंद्र सरकार भी अचानक से एक्टिव हो गई। केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग और होम डिपार्टमेंट ने, गृह विभाग ने पूरी की पूरी फाइल बिहार पुलिस से तलब कर ली है जी। जो मेरी जानकारी है, जो EOU के ADG नैयर हुसैन खान आनंद फाने में दिल्ली गए हैं फाइल लेकर के, तो ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी जा रही है, उसमें कहा जा रहा है जो ठीक है, बिहार में कुछ लोग पकड़े गए हैं और बिहार में जो लड़के पकड़े गए हैं जी, जो जब परीक्षा देने वाले और सेटर, उनके पास से वो क्वेश्चन पेपर मिला है जी, आंसर मिला है, मिला तो नहीं है लेकिन उसे स्वीकार कर दिया है। आज जहाँ इन लोग को रटाया जा रहा था, वो जगह पे कुछ जले हुए कागज मिले हैं, तो हमको रटने के बाद वो कागज में आग लगा दी गई होगी, तो वो चीज मिला है। तो वैसी स्थिति में केंद्र सरकार के तरफ से भी बहुत सीरियस दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने तलब किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का मतलब दिशा निर्देश दिया है, उन्होंने कहा जो 0.001% भी अगर संलिप्तता किसी की हो पाई जाती है तो उसको छोड़ा ना जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मतलब पूरे देश के हर राज्य को ये दिया है निर्देश, जो आपके यहाँ अगर नीट से संबंधित कोई मामला है, उसकी जांच हो रही है, वो सारी फाइल्स लेकर के सभी लोग 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, और साथ ही हाई कोर्ट को भी निर्देश दिया है, सभी हाई कोर्ट को, जो आपके यहाँ भी अगर इस तरह का कोई नीट से संबंधित मामला चल रहा है, उसकी सुनवाई ना करें, सुप्रीम कोर्ट कर रही है। लेकिन सर, सोचने वाली बात यह है कि लगभग 25 लाख एप्लीकेंट जो है उन्होंने इस पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, कितने सालों की मेहनत होती है उनकी, और ऐसा जो मामला हमारे सामने दिखता है सर, उनका मनोबल जो टूट जाता होगा, इस पर क्या कहेंगे आप? बात तो सही है, क्योंकि अभी छात्रों से मिलने
मिलने पहुंचे हैं ये राहुल गांधी जी, और वैसी स्थिति में नीट को लेकर के सभी पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव है जी, चाहे जो उसमें दोषी है वो भी, जो नहीं दोषी है वो भी जी। अब तेजस्वी यादव की पार्टी ही मांग कर रही है जी, जबकि उनके करीबी फंसे हुए हैं जी, उनके करीबी ने ही मास्टरमाइंड सेटर को रहने का जगह दिलवाया जी, आईबी का पटना एयरपोर्ट के ठीक सामने में आईबी गेस्ट हाउस है जी। तो वैसी स्थिति में वो जो है सो, लेकिन छात्रों का नुकसान तो हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा था जो, या परसों जो, अगर वकील से जो एनटीए के वकील से जी, जो जो उसका वहाँ पे पक्ष रख रहे थे, पक्ष रख रहे थे, उनसे पूछा जो क्या आप ऐसे डॉक्टर के हाथ इलाज करवाएंगे जो घूस दे करके डॉक्टर बना हो जी। अब एनटीए में कही जा रही है नीट में जो 30 से 32 लाख रुपए लिया गया, 30 से 35 लाख रुपए लिया गया एक कैंडिडेट से जी। अब वो अगर 30 से 35 लाख रुपए दे करके पास करता है और वो अगर डॉक्टर बनता है तो अब समझ सकते हैं जो किस तरह का डॉक्टर वो बनेगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सख्त है, बिहार सरकार भी सख्त है। सर बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन अभी भी अगर गांव देहात वाले इलाके में अगर हम जाते हैं तो वहाँ एक जो वर्ड होता है डॉक्टर को लेके, झोला छाप डॉक्टर, आगे चलकर अगर इस तरह का अगर मामला हमारे सामने दिखेगा सर तो इंडिया का फ्यूचर फिर जाएगा कहाँ? बात तो सही है, और कहें तो हम तो भटक गए बुद्धा जी। हम लोग नीट को लेकर के चर्चा कर रहे थे, नीट में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं जी। अब खुलासा और होना है जी। उसमें कुछ लोगों को शायद पथ निर्माण विभाग में सस्पेंड भी किया गया है, जो आपने किसके आधार पे, किसके कहने पे सिकंदर को कमरा दे दिया जी, कौन है ये मंत्री जी, मंत्री जी का नाम बताइए इसके लिए, उन्होंने साफ तौर पर सब कुछ दिखा दिया है फोन वाला, कितने बजे कितने तारीख को फोन आ रहा है जी, हम भी दिखाएंगे दर्शकों को। तो एक तरह से कहें जो रोज नए खुलासे हो रहे हैं, अब बिहार कनेक्शन इसमें आ गया है, और हमको लगता है जो पहले शास्त्रीनगर थाना में ये मामला दर्ज हुआ था जिसको टेक ओवर ईओयू ने किया जी, अब लगता है सुप्रीम कोर्ट ही ईओयू बिहार ईओयू को कहेगा जी, पूरे नीट मामले की जांच बिहार की ईओयू की इकाई करेगी जी। और इसको लेकर के सरकार भी चिंतित है, क्योंकि जब जब तेजस्वी का नाम आता है तो नीतीश कुमार भी काफी कान खड़ा हो जाता है भाई, क्योंकि वो विपक्ष में है। वैसी स्थिति में देखना है तो बिहार की सरकार जो है वो मतलब कितना एक्टिव होकर के इस पे काम करती है जी। तो जैसा कि भी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर जी। तो इनका कहना था कि अभी जो कनेक्शन देखने के लिए अभी आ रहा है हमारे सामने, तेजस्वी यादव का नाम बीच में आ रहा है, आखिरकार जो विपक्ष से विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर पर अपने प्रूफ के देते हुए उन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव का कनेक्शन बताया, अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार जब जांच होगा तो उसके बाद क्या निकलकर सामने आएगा। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।